और ये मुल्क एक तारीखी तौर पर बहुत बड़ी मेरे नजदीक इमानत है उस हदीस की कि जिसमें कहा गया था कि मशरिक से इस्लाम की ताकत का इजहार होगा। तो ये कोई हादसा नहीं कि आज पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी ताकत है, और इसी वजह से ये दुश्मनों की आंखों में खटकता है। और बलूचिस्तान एक बहुत स्ट्रेटिजिक सूबा है, उसका महले वकू बहुत अहमियत का हामिल है, और आज से नहीं बल्कि बरतानवी दौर से ये इलाका ये खित्ता बड़ी ताकतों की नज़र में खटकता रहा है, और बहुत अरसे से यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर्स का सिलसिला जारी है। और मुझे ये कहने में कोई तामुल नहीं कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा ना होता तो बड़ी ताकतों की इस जंग के अंदर बलूचिस्तान का हशर भी अफगानिस्तान की तरह हो चुका होता। जो आग और खून के दरिया अफगानिस्तान में बहे हैं और जो तबाही अफगानिस्तान ने देखी है, जिसकी वजह बड़ी ताकतों की रस्साकशी और बड़ी ताकतों की प्रॉक्सी वॉर थी कि वो वहाँ पर तसल्लुत कायम करें, इसी रस्साकशी के तहत बलूचिस्तान में भी उसी किस्म की तबाही आ सकती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रियासत पाकिस्तान का हिस्सा होने के बावजूद ये साजिशें बार बार नाकाम हुई। कुलभूषण सिंह जो पकड़ा गया हिंदुस्तान का एजेंट, उसके बाद कोई शुबा नहीं कि कौन बलूचिस्तान के अंदर तबाही फैलाना चाहता है। तो मैं समझता हूं कि आज के नौजवानों को उन साजिशों से आगाह करना कि जो पुरफरेब नारे लगाकर पुरफरेब नजरियात पेश करके नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि बलूचिस्तान के दिल में पाकिस्तान बसता है और बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का वो झूमर है कि जिस पर कोई मैली निगाह उठाकर नहीं देख सकता।